तो आप ये करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, ये हम आज सीखेंगे। प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। डेली 30 मिनट का वॉकिंग, जॉगिंग या स्विमिंग या फिर एनी एरोबिक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, वो आपको 5 दिन करना है हफ्ते में। उसके अलावा 10 मिनट का मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। इसको छोड़ के जो आपका रिस्क फैक्टर्स है, रूटीन रिस्क फैक्टर्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल, इसको एकदम कंट्रोल में रखना है और इसकी दवाई बंद नहीं करना है आपके डॉक्टर के बोले बिना। अगर आप इसको कंट्रोल में रखेंगे तो ब्लॉकेज बनने का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। और स्मोकिंग या तंबाकू आपको आज ही छोड़ना है। अगर ये नहीं करेंगे तो आप हार्ट अटैक के रिस्क में हमेशा बने रहेंगे। इसके अलावा जैसे ही आप 35 एज के हो जाते हो, आजकल आपको अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए, जैसे ECG, स्ट्रेस टेस्ट और 2DA को अपने कोई पास के कार्डियोलॉजिस्ट से आपको ये सब चेकिंग कराना है, ताकि हार्ट अटैक आपको अटैक करे उसके पहले आप उसको ट्रीट कर दो। आपको CPR भी सीखना चाहिए। CPR होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जो कार्डियक अरेस्ट पेशेंट में यूज़ किया जाता है। हमारे अस्पताल में जिन कुशल कार्डियक केयर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम महीने में एक संडे इसका फ्री ट्रेनिंग करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप फ्लैशिंग नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपको ये CPR भी सीखना चाहिए, ताकि कोई आपके आसपास अगर कोई बेहोश होता है तो आप उसका जान बचा सकें। इन सब के अलावा आपको आपके पास के कार्डियक अस्पताल का फ़ोन नंबर आपके मोबाइल में स्टोर होना चाहिए और कार्डियक एम्बुलेंस का, ताकि आप जल्दी से जल्दी हार्ट अटैक के पेशेंट को वहाँ पहुँचा सके, या आपको अगर सिम्टम्स है तो आप वहाँ पहुँच सकें।